बात नहीं। ओके बच्चे, तो देखिए आज हम कर रहे हैं नया लेसन कारतूस। अनकंडीशनली मैंने आपका सस्पेंस खत्म कर दिया हुआ है, आपको कहानी के बारे में पूरा विस्तार से बता चुकी हूँ। इवन देन आई बिलीव कि यू विल एंजॉय व्हाइल रीडिंग दिस लेसन। ओके, कारतूस। कारतूस होता है गोली का, गोली के जो अंदर डालते हैं उसे हम कारतूस कहते हैं, जिसे बीच में डाल के गन चलाई जाती है। ओके, तो पाठ प्रवेश देखते हैं कारतूस का। हबीब तनवीर का लिखा हुआ है ये, ठीक है, हबीब तनवीर का लिखा हुआ है लेसन। तो कारतूस पाठ प्रवेश देखिए। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए थे, ये हम सबको मालूम है। शुरू में उनका व्यापार ही करते रहे, लेकिन इनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। ट्रेडिंग के लिए आए थे, ट्रेडिंग करते 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 हमें फूट डाल के राज्य हड़पने लगे। जैसे ही हम इंडियंस को पता चला कि ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, हमें कैप्चर करने आए हैं, तो यहाँ पे उनको भगाने के शुरू हो गए, प्रोग्राम शुरू हो गए। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, दैट वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट। ओके, शुरू हो गए कि उन्हें भगाया जाए यहाँ से। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जांबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानित कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उसने कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकल गए जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए नहीं बोले जा सकते। ठीक है जी, क्योंकि उसने लास्ट में कहा था, मैंने आपको बताया, उसके पार्टनर ने आगे पूछा कि कौन था, उसने कहा एक जांबाज सिपाही, और दुश्मन की कभी कोई तारीफ नहीं करता। तो ये लाइनें जो है ना प्रस्तुत पाठ में से लेके जांबाज के कारनामों का वर्णन है, यहां से लेके अगर आप इन शब्दों को अपने मन में बिठा लें तो दीज वर्ड्स कैन बी द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया है लेसन का। हर क्वेश्चन में इन्हीं लाइनों को उठाकर लिखा जा सकता है। जैसे कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला दिलेर और निडर था, शेर की मांद में हाथ डाल कर पहुंच कर उसने दो दो हाथ करके यानी उससे लड़ाई करके है ना जैसे बाहर आ जाए इंसान, वैसे वो बटालियन के खेमे में गया, कारतूस मांगे, उस पे रोब झाड़ा और बाहर आ गया। लेसन कारतूस, मैंने अभी तक आपको कहा पाठ प्रवेश का ये पैराग्राफ लर्न करने के लिए जरूरी है। हा? वन मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द, मेरा ख्याल रूहानी दोनों हैं, विनीत आ गई। ओके, तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, पात्र कौन कौन से हैं? कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और सवार है। सिर्फ तीन लोग अंग्रेजों के, एक कर्नल, ठीक है, एक लेफ्टिनेंट और एक सिपाही, साथ में सवार जो है वो हमारा सवार है। ठीक है, अवधि सिर्फ 5 मिनट्स। जमाना सन 1799, 1857 में रिवोल्ट हुआ था, उससे पहले भी अंग्रेजों का विद्रोह शुरू हो चुका था। 1799, समय रात का, स्थान गोरखपुर के जंगलों में, कर्नल कार्लेज में के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल खार्लेज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथी नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड वॉज अ फेलो, एक डाकू था, लूटपाट करता था और बाद में वो गरीबों को बांट देता था। ठीक है, तो उसने कहा कि वजीर अली को याद करके रॉबिन हुड के याद आ जाती है। क्यों याद आ जाती है? रॉबिन हुड भी पकड़ा नहीं जाता था, गरीबों को, अमीरों को लूट के गरीबों में बांट देता था।
ये भी ऐसा ही था, अंग्रेजों से छिपके अंग्रेजों को खत्म कर रहा था। ठीक है बच्चे, आगे है, रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। 5 महीने उसने राज्य किया, उसे किस्मत से 5 महीने राज्य करने का मौका मिला। 5 महीने में उसे अवध से तो अंग्रेजों को भगा ही दिया। अवध अयोध्या साइड पे, वहां से उसने अंग्रेजों को टोटल खत्म कर दिया। कैसे, ये वजीर अली कौन है, इसकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल खाजे कर लीजिए, सआदत अली कौन है? आसिफ उदौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उदौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। बेटा मैं आपको ये रिलेशन समझाना चाहती हूँ कि ये कौन है। वर्ड है आसिफुद्दौला, वर्ड है आसिफ उद दौला। वर्ड काफी मुश्किल है, आसिफ उद दौला, ये द है ठीक है। आसिफ उद, वहां पे द ऐसे लिखा हुआ है शायद आपका, ठीक है, द के नीचे द, आसिफ उद दौला। इसका भाई है बेटा, इसका ब्रदर है सआदत अली। अब क्या है बच्चे, आसिफ उदौला के कोई संतान नहीं है, तो राज्य किसको मिलेगा? सआदत अली को। ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। और ये जो सआदत अली है ना, ये थोड़ा सा ऐशो आराम में, ऐश्वर्य में लीन रहने वाला है, ज्यादा राजपाट के लिए काम नहीं करना, तो ये अंग्रेजों के साथ मिल गया, ठीक है। लेकिन अचानक क्या हुआ, आसिफ उदुल्ला के पुत्र पैदा हो गए और उस पुत्र का नाम है वजीर अली। अब रहे वो भाई, आसिफ उदुल्ला के बाद राज्य मिलने वाला है वजीर अली को, ठीक है, इसके बाद राज्य मिलना है वजीर अली को। अब जब तक बेटा नहीं था, तब तक सआदत अली बड़ा खुश था कि बड़ा भाई मरेगा, बड़ा भाई छोड़ेगा तो मुझे मिल जाएगा राज्य। अब वजीर अली पैदा हो गया तो ये इसको दुश्मन समझने लगा। इसने कहा, सआदत अली ने कहा, वजीर अली को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, अब मेरा राज्य इसने छीन लेना है, ठीक है। तो किसी तरह ये अंग्रेजों के साथ मिल गया, 50% राज्य दे दिया, 50% पैसे ले लिए और इसे भागना पड़ा अंग्रेजों से। और इसने भाग के भी, छुप छुप के भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, ठीक है। ये ट्रायंगल समझना बहुत जरूरी है और इन नामों को याद करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चे। आसिफ उदौला, सआदत अली और वजीर अली, ठीक है। अब दोबारा मैं वही लाइनें पढ़ रही हूँ जो मैंने फास्ट पढ़ी थी। आसिफ उदौला का कर्नल खारिज कार्लेज, ये सआदत अली कौन है? आसिफ उदौला का भाई, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उदौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी, क्या मुश्किल आ रही थी। सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी जायदाद दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे में है और हम भी मजे में हैं। सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। ये वजीर अली जो है ना, कर्नल बात कर रहा है कि ये अफगानिस्तान के बादशाह को दावत दे रहा है कि अपने यहाँ आने की, कि मेरी मदद करो, हम अंग्रेजों को बाहर निकालते हैं, ठीक है।
तो अफगानिस्तान में हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शम्सुद्दौला ने भी, यानी अफगानिस्तान की हेल्प हम हमेशा मांगते रहे, चाहे वो टीपू सुल्तान का टाइम था, चाहे वो वजीर अली का टाइम था, चाहे वो शम्सुद्दौला का टाइम था। ओके, नवाब बंगाल का निस्बती भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। वो कह रहा है कि इसका मतलब टीपू सुल्तान ने भी अफगानिस्तान वाले की हेल्प मांगी, वजीर अली भी उसकी हेल्प मांग रहा है, शमसुद्दौला भी उसकी हेल्प मांग रहा है, मतलब चारों तरफ हमारा विद्रोह होना शुरू हो गया है। ठीक है जी, हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। जो बक्सर और प्लासी में हमने डिफीट दी है वो रह जाएगी, और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी ना किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना होगा। पूरी एक फौज लिए इसका पीछा कर रहा हूं, और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज सिपाही हैं, चंद जांबाज सिपाही, मतलब मुट्ठी भर आदमी, बहुत थोड़े से आदमी है उसके साथ, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम कहते इतने थोड़े से आदमी, 10-15-20 आदमी लेके और इतनी जोश से कैसे रह रहा है। सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है, कहते वजीर अली सुना है इंडिविजुअल भी बहुत बहादुर है, मतलब एक ही सैकड़ों के बराबर है, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। अब वजीर अली ने एक और नया काम किया हुआ है, वजीर अली ने एक कंपनी के वकील का कत्ल किया हुआ है। इस क्यों किया, कैसे किया, अब ये देखिए सामने कैसे हुआ। अभी तक हमने क्या किया लेसन में, अभी तक क्या किया, रिमाइंड कर लें एक बार, रिकॉल कर लें, अभी तक हमने क्या किया कि ये कहानी एक जांबाज सिपाही की है। ओके, उसके बारे में हमने इस ट्रायंगल को जाना कि ये आसिफुद्दौला कौन है, सादत अली कौन है, और वजीर अली कौन है, अभी तक हमने ये जाना। इसके बाद हमने ये जाना वजीर अली ने हेल्प मांगी है अफगानिस्तान के बादशाह से। ठीक है, और अफगानिस्तान के बादशाह से हेल्प कौन कौन ऑलरेडी मांग चुका है, टीपू सुल्तान भी मांग चुका है और शमसुद्दौला भी मांग चुका है। तीन लोग, ये लोग इकट्ठे हो गए हैं, तीन ये हो गए, एक अफगानिस्तान का बादशाह हो गया, मतलब चार हो गए। तो उनको बड़ा डर रहा है कि चारों तरफ इसका मतलब हमारा विद्रोह होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद वो कह रहे हैं, वजीर अली की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं वजीर अली ने तो हमारे कंपनी के वकील का खून कर दिया। अब देखें ये जाबाज सिपाही सरेआम खून करके कैसे भागा है, देखते हैं जी बेटे। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। ध्यान से बात को समझिए, जब अंग्रेज किसी के साथ मिलते थे, यानी आसिफुद्दौला के भाई सादत अली के साथ मिलकर कैप्चर कर ली उनकी, तो वजीर अली को कहा, जैसे झांसी की रानी को कहा गया था कि तुम्हें इतने पैसे देते हैं तुम ये ग्वालियर का किला छोड़ जाओ, है ना, और वहां रहो, जहां भी उन्होंने कहा होगा वहां रहो, वहां आपको सालाना पैसे मिल जाया करेंगे। ऐसे ही वजीर अली को कहा कि तुम्हें सालाना 3 लाख रुपया मिल जाया करेगा, एनुअली 3 लाख रुपया, ठीक है, मिल जाए उस समय 3 लाख, दैट वॉज समथिंग। ओके, 3 लाख रुपया मिल जाया करेगा और तुम आराम से कहाँ रहो। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया और कलकत्ता भेज दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया, हाँ, और वजीर अली को कहा गया कि गो एंड लिव इन कलकत्ता। कहाँ का है वजीर अली, अवध का, अयोध्या का, ठीक है, अवध से उसे कलकत्ता भेज दिया गया। अब वजीर अली को इतना राइट तो है ना कि आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा पैसा दे रहे हो, राज्य आप कर रहे हो, अब कम से कम ये तो बताओ कि मुझे कलकत्ता क्यों भेज रहे हो, मैं कोई कहती हूँ जो मुझे कलकत्ता भेजना है आपने। ठीक है, तो कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, ट्रांसफर किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, और उसने शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में ही क्यों तलब कर रहे हैं।
लेकिन वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुला बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट के भरी हुई थी, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और वहां से भाग गया कि पकड़ो अब मुझे, ठीक है, और वहां से भाग गया। कर्नल अपने जनिसारों समेत, जनिसारों मीन्स जो जान निसार करते हैं, अपनी जान कुर्बान देने वालों के साथ आजमगढ़ के हुक्मराना ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। कहते आजमगढ़ से वो सेफली घाघरा पहुंच गया और ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। वजीर अली क्या क्या करना चाहता था, ठीक है, वजीर अली क्या क्या करना चाहता था, उसकी स्कीम क्या थी कि नेपाल पहुंच जाए किसी तरह सेफली, अफगानिस्तानी राजा हमला करे तो वो भी साथ में साथ दे और अपनी ताकत बढ़ाए किसी तरह, सआदत अली को जिसने चाचा जिसने तख्त पे कब्जा किया हुआ है उसे हटाए और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। वेरी सिंपल टू लर्न दिस पैराग्राफ। ओके, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच ही गया हो। कौन बोल रहे हैं, उसके दुश्मन आपस में बात कर रहे हैं। हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती की से उसका पीछा कर रहे हैं। कहते ना हमारे हमेशा हम साथी ही दगाबाज होते थे। सआदत अली के लोग भी वजीर अली को ढूंढ रहे हैं, अपना चाचा भी ढूंढ रहा है और अंग्रेज भी ढूंढ रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है, उठकर क्या बात है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है, मिट्टी आ रही है। सिपाहियों ने से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है जो खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ है। लेफ्टिनेंट कहता है गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। काफिला मीन्स ग्रुप। तो कहता है नजर तो एक ही आ रहा है पर गर्द इतनी तेजी से इतनी ज्यादा उड़ रही है जैसे काफी लोग हों। कर्नल खिड़की के पास आकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, शुब्बे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। कहता शुब्बा मीन्स डाउट, डाउट का तो कोई कारण ही नहीं है। शुब्बा इज अ उर्दू वर्ड। कोई कंफ्यूजन का तो कोई है ही नहीं है कि वो इधर ही आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है, चिल्लाकर बहुत खूब बाहर से। सी अंदर आकर, हजूर सवार आपसे मिलना चाहता है, भेज दो। वजीर अली का कोई आदमी होगा हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार होता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। सवार दीवार हम गोश दारद तन्हाई, यानी दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे अकेले चाहिए आपसे बात करनी है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तनहा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ सब देखकर सवार कहता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या माने? लाव लश्कर मीन्स इतने सिपाही इतने खेमे इतना भीड़ भंडार डाल के एक व्यक्ति को आप पकड़ना चाहते हो। लाव लश्कर गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। लाव लश्कर वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। वजीर अली खुद कह रहा है कि मेरी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वो एक जांबाज सिपाही है,
मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस? किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। ये कहकर बाहर चला जाता है। डाकुओं का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। ठीक है जी, आया समझ? लेसन हो गया? यस हो मैम, गया? अच्छा मुझे लगा? तो अच्छी तरह आया। हाँ यस मैम। क्या? मैंने कहा मुझे तो ज्यादा अच्छी तरह आया। मैंने कहा मुझे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ आया तेरी हाँ, बात। बहुत अच्छा लेसन है बेटे। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड। मैंने आपको पहले कहा था, 10th के सारे लेसन, सारी पोइम्स एक से बढ़कर एक है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेसन ऑल आर। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। मुझे नहीं लगता मैं आज क्वेश्चन करवाऊँ आपको, कल क्वेश्चन करेंगे, है ना? तब तक बच्चे आपको अपना होमवर्क मुझे भेजना है, मालूम है ना? और हम अपने टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं। और टेस्ट डे, 10th का टेस्ट डे कौन सा है? 10th का टेस्ट डे, हमें साइड बाय साइड टेस्ट भी लेने हैं और आपके टेस्ट चेक होने हैं, जो आपने मुझे भेजने हैं और चेक होने हैं ऑनलाइन। पहले होमवर्क भेजिए, उसके नंबर लगा दें। 10th का फ्राइडे को होता है टेस्ट बेटा, परसों है टेस्ट। ठीक है, तो परसों टेस्ट किस चीज का लिया जाए? मुझे लगता है एक लघु कथा लिख के दिखा दीजिए। ठीक है, परसों टेस्ट सिर्फ लघु कथा क्या लघु कथा क्या होता है, उसके लिए मेरी पिछली वीडियोस देखनी होगी या कार्तिक आपको। लघु कथा, चलो इन शॉर्ट मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों के लिए। लघु कथा इज अ शॉर्ट स्टोरी। लघु शॉर्ट, इंटरनेट का कनेक्शन पुअर हो गया, कनेक्शन पुअर था इसलिए मैं रुक गई बीच में। बेटे लघु कथा मीन्स शॉर्ट स्टोरी। आपको छोटी सी एक लाइन दे दी जाएगी, आप उसी कहानी को पूरा करें। जैसे मैं कहूं, अध्यापक पढ़ा रहा था और एक और शिक्षक पढ़ रहे थे। ओके, तो अब आप इस कहानी को पूरा कीजिए। अध्यापक पढ़ा रहा था, शिक्षक पढ़ रहे थे। अब आपके दिमाग में कोई कहानी आनी चाहिए और उस कहानी को आप लिखना चाहिए। तो मेरे दिमाग में इस समय अध्यापक पढ़ा रहा था, शिक्षक पढ़ रहे थे, गांधी जी के बारे में आई। लेकिन हम गांधी जी का वर्णन नहीं करेंगे, उसे काल्पनिक कहानी बनाएंगे। गांधी जी के बारे में कहानी आई कि गांधी जी को संस्कृत और फारसी में से एक सब्जेक्ट चुनना था, तो गांधी जी ने फारसी चुना। उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा बहती गंगा में हाथ धोते हैं। वहां लोग भी जा रहे थे, जैसे हमारे कंप्यूटर में जाते हैं। तो उन्हें लगा कि फारसी चुननी चाहिए। लेकिन एक दिन उनके अध्यापक आए हिंदी के, संस्कृत के, कान से उन्हें पकड़ा और संस्कृत में ले गए और उन्हें कहा कि गांधी तू संस्कृत पढ़ेगा। और तब से गांधी जी ने संस्कृत पढ़ी और बड़े प्यार से पढ़ी। और गांधी जी उस अध्यापक के धन्यवादी हैं कि वो अपनी भाषा के नजदीक रहे। उन्हें संस्कृत आती है, इसी कारण अब वो धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ पाते हैं। तो वो एहसानमंद थे। अब हमें कहानी यही लिखनी है, लेकिन गांधी जी का वर्णन नहीं करना, क्योंकि हमें धोखा देना है वहां पे। हमें लघु कथा भी लिखनी है और बिना इसके कि हम इस पुरानी कहानी को लिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे वहां पे कि एक बार एक अध्यापक शिक्षकों को पढ़ा रहे थे, दो विषयों में से एक विषय चुनना था। आप अपना विषय लिख दें, कोई भी विषय लिख दें। ठीक है, तो इसी तरह आप हिंदी के साथ ही किसी विषय का कंपैरिजन करें। तो हिंदी के अध्यापक उठ कर गए और कान पकड़कर उस बच्चे को वापस लाए और उन्होंने कहा कि अगर 9वीं 10वीं में हिंदी नहीं पढ़ोगे तो कल को अपने धार्मिक ग्रंथ कैसे पढ़ पाओगे, उनमें रुचि कैसे ले पाओगे। हमें अपना जो मूल विषय होता है, मातृभाषा होती है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, और नीचे शिक्षा लिख देंगे कहानी की कि मातृभाषा जो है वो हमारे ज्ञान का मूल होती है।
इस तरह दिस इज द शॉर्ट स्टोरी। कोई भी स्टोरी, मैंने पहले दिन बताया था भालू वाली स्टोरी ले लो, मैंने कहा था एक बार एक विद्वान जंगल में जा रहा था। अब कहानी लिखनी है और कहानी याद आई मुझे जंगल के नाम से भालू, ठीक है। तो भालू ने, वो भालू था ना कि मरे हुए को नहीं खाता, सांस रोक के सो गया था, तो वो विद्वान था, उसे कहीं से याद आ गया, सांस रोक के सो गया। बाद में अपने उसे शिक्षक का, अपने अध्यापक का धन्यवाद किया मन ही मन, क्योंकि अध्यापक ने उसे ऐसा पढ़ाया था, उसने ऐसा किया। यानी किसी को मोड़ के हम कहानी को शॉर्ट में लिख देंगे। इसी तरह कोई टॉपिक भी आ सकता है कहानी के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कहानी के लिए डॉटेड लाइंस ही आएंगी, कोई टॉपिक भी आ सकता है। जैसे टॉपिक आ गया कहानी का संस्कृति, इस विषय पर लघु कथा लिखो, संस्कृति हमारा हेरिटेज है ना। अब इस पे कोई भी कहानी लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी जो आपके दिमाग में उसी समय आए और आप उसे छोटा सा लिख दें। छोटा सा मीन्स ओनली 10-12 लाइन्स, क्लियर? ठीक है बच्चे, तो फ्राइडे आपका टेस्ट होगा और मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी ही भेजूंगी, ठीक है बच्चे? टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैम हाँ बोलो बेटा कार्तिक, बोलो बच्चे। मैम वैसे एक चीज बताओ, अगर मैंने 9th में